अब ये प्रोग्राम देखते हैं गो टू का एक एग्ज़ाम्पल तो इसमें क्या है कि एक नंबर हम ले रहे हैं और उसके बाद हम चेक करें कि नंबर हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है या ज़ीरो है यहाँ पे जैसे क्या हो गया प्रिंट एफ स्कैन एफ हाँ इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन देन गो टू पॉजिटिव राइट एल्स इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो गो टू नेगेटिव एल्स गो टू ज़ीरो यानी कि यही कि बस कंडीशन हो सकती हैं उसके बाद ये हमारा क्या हो गया ये गो टू स्टेटमेंट्स हो गए सारे ये वाला ये वाला और किधर ये वाला ये हमारा स्टेटमेंट्स हो गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो ये हमारे लेबल्स हो गए अब यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है कि गो टू पॉजिटिव गो टू नेगेटिव कहाँ पे है नेगेटिव यहाँ पे एंड गो टू ज़ीरो यानी कि सारा क्या हो रहा है फॉरवर्ड हो रहा है तो ये हमने जो गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया है यहाँ पर ये हमारा फॉरवर्ड जंपिंग है यानी कि फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट बोल सकते हैं अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कि यूज़र ने कोई नंबर दिया फ़ाइव तो फाइव इज ग्रेटर देन ज़ीरो यस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो गो टू पॉजिटिव कहाँ आएगा कंट्रोल वो जो बताया था अभी समझ में आएगा क्लियर होगा तो ये डायरेक्ट कहाँ आएगा पॉजिटिव सारा स्किप हो गया और प्रिंट करेगा नंबर इज पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कंट्रोल आ गया और यहाँ से अब फिर एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा तो ऐसे अगर हमने लिखा ना तो नंबर इज़ पॉजिटिव फिर ज़ीरो का कोई मतलब नहीं यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं आएगा बस कंट्रोल के लिए है और फिर प्रिंट करेगा नंबर इज़ जीरो यानी कि अब क्या है कि एक बार नेगेटिव वाला भी देखते हैं अब नंबर हमने दिया माइनस थ्री तो ये तो फेल हो जाएगा एल सीफ नंबर हाँ तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्या नेगेटिव पे गो टू नेगेटिव अब यहाँ पे आएगा नेगेटिव तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ नेगेटिव कंट्रोल यहाँ आ गया अब फिर हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है नॉर्मल हो जाएगा तो अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा नंबर इज़ नेगेटिव नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर ज़ीरो तो सही नहीं लग रहा है ना तो इसी को हम थोड़ा बचने के लिए अब क्या यूज़ करेंगे क्योंकि जनरली क्या होता है कि गो टू समझ में भी आया था बहुत लोगों से लेकिन ये एक मतलब माइनर सा मिस्टेक है कि जो हो जाती है तो जिससे कन्फ्यूजन आ जाती है कि आखिर मैंने सही प्रोग्राम लिखा फिर लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा तो अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जब हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ पे तो मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा से ये हमारा कंट्रोल फिर आए तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा गो टू एंड तो ये डायरेक्ट हमारा और यहाँ पे हम एक अब यहाँ पे क्या कर दें और यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं और यहाँ पे हम एक नल स्टेटमेंट दे देंगे जो कि मैंने बताया था तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आएगा और ये दोनों स्किप हो जाएगा लेकिन अभी भी हमारा इशू है क्या कि अगर ये प्रिंट हुआ तो ये कर देगा तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते गो टू एंड अब क्या है कि यहाँ पर तो यहाँ पे आ गया तो फाइनली एंड पे ही जाएगा तो क्या यहाँ पर लिखे नहीं लिखे तो उसे कोई मतलब उतना अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि गो टू हम यहाँ पे मेंशन कर दें वैसे गो टू तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए सही बात है लेकिन हाँ प्रैक्टिस क्यों क्योंकि कभी आप सपोज करो कि आप इस प्रोग्राम को बड़ा कर रहे हो तो अब क्या हो गया एक और लेवल आपने यहाँ पे ऐड किया तो बस यहाँ पे एक आपने लेवल यहाँ पे एक ऐड किया और यहाँ पे और हो सकता है कि यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे अगर गो टू हम एंड लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो ये हमारा फुल्ली हो गया और ये हमारा नंबर चेक करके बता देगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है यहाँ से आप लिख सकते हो